हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। आज हम लोग बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की आज हम लोग बात करते हैं। कल पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने होमोजीनियस की बात की थी, फिर हम लोगों ने बात की इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, इसकी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज said to be linear, a differential equation is said to be linear if the dependent variable, if the dependent, if the dependent variable and its derivative and its derivative occur only in the first degree and are not multiplied together, Finally, क्या कहा उसने? Differential equation is said to be linear if the dependent variable and its derivative, dependent variable और उसकी जो derivative है, only in first degree में हो, आर नॉट मल्टीप्लाइड टूगेदर, आपस में क्या हो, मल्टीप्लाइड में ना हो। जनरल इक्वेशन अगर हम लोग देखें, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो फॉर्म होती है वो होती है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। थोड़ा सा हम यहां देख लेते हैं, जनरल इक्वेशन जो है ना वो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर यहाँ पे हम लोग जब बात करें कि भाई हमारे जो पी और क्यू क्या है, पी और क्यू जो है ना आर फंक्शन ऑफ एक्स एलोन और कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो पी और क्यू हमारे होंगे, या तो वो केवल एक्स के फंक्शन होना चाहिए या फिर वो हमारे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, ये जो हम लोग निकालते थे वो निकालते थे e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएक्स। मींस इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और अगर हम लोग ये देखते हैं कि पी और क्यू जो है ना वो फंक्शन केवल एक्स के हैं या केवल कांस्टेंट है, तो हम ये कह देंगे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं हम लोग फॉर्मूले से ई टू दी पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब फाइंड आउट हो गया तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इट्स सॉल्यूशन, इसका भाई जो सॉल्यूशन हुआ वो हुआ बाय इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डीएक्स प्लस सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। मीन्स हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रिप्लेस की, क्यू की रिप्लेस की, और यहां पे हम लोग यूज कर लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हम लोग यहां पे यूज कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा क्या है आंसर आ जाएगा।
अनदर एक बात हम लोग और देखते हैं, कई बार जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अनदर एक फॉर्म और होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल। डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहां पे भाई अगर हम देखें तो पी और क्यू जो है ना वो हमारे होंगे आर फंक्शन ऑफ बाई एलोन और कॉन्स्टेंट। यहां पे जो पी और क्यू हमारे होंगे वो क्या होंगे, केवल बाई के फंक्शन होंगे एलोन या फिर सिंपली कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिलेगा वो मिलेगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन हमारा होगा, इट्स सॉल्यूशन वो हमारा होगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी बाई प्लस सी। तो इस कंडीशन में हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। और ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख देंगे, क्यू की वैल्यू रख देंगे और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को यूज कर लेंगे। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा जो है ना वो इस कंडीशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ओवरऑल मुझे ये मिला कि लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो फॉर्म में मिलेगी, या तो इस टाइप से होगी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी और क्यू एक्स के फंक्शन होंगे या कॉन्स्टेंट होंगे, हम लोग इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे और उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। दूसरी कंडीशन में हम लोग कहते हैं या तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू होगा, ये जो है ना यहाँ पे पी और क्यू बाई का फंक्शन होगा या कॉन्स्टेंट होगा, तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और उस ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। और उसके बाद हम लोगों का जो सॉल्यूशन है वो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। चलिए हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं कि हम लोग उन एग्जाम्पल्स को किस टाइप से सॉल्व आउट करेंगे। कि मान लीजिए कोई इक्वेशन दी गई है और वो अगर लीनियर है तो भाई हम उनको सिंप्लीफाई किस टाइप से करेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे कि जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स क्यू बाई विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स क्यू। चलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है तो हमने जब इसकी फॉर्म देखी तो ये तो डायरेक्टली हमें इस टाइप की फॉर्म मिल गई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पी और क्यू देखो दोनों एक्स के फंक्शन है तो ये हमारी लीनियर हो गई। लीनियर हो गई तो पी हमारा क्या मिला, थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स क्यू। क्यू मुझे क्या मिला, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स क्यू। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोग अब निकालते हैं इंटीग्रेटिव फैक्टर। इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या था, ए टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। सो ए टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स क्यू डी एक्स। इंटीग्रेट करना था मुझे, मैंने वन प्लस एक्स क्यू को टी किया तो थ्री एक्स स्क्वायर हमारा किसमें चला गया, डी टी में चला गया। और ये जो मेरा बना, ये बना वन अपॉन टी डी टी, वन अपॉन टी से लॉग टी, मतलब e टू दी पावर लॉग वन प्लस एक्स क्यू। एक्सपोनेंशियल से लॉग एलिमिनेट हो गया, मतलब कि मुझे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला वो मिला वन प्लस एक्स क्यू। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सो इट्स सॉल्यूशन, तो जब हमने इसके सॉल्यूशन की बात की तो सॉल्यूशन हमारा होगा बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। So, y into integrating factor, 1 plus x cube, integration of q, value of q, so sin square x, upon 1 plus x cube, integrating factor, 1 plus x cube or dx plus c. 1 plus x cube cancel out hua, to mila y into 1 plus x cube, so integration of sin square x dx plus c.
साइन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, कॉस टू एक्स में आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको हम लोग कह सकते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू डी एक्स प्लस सी। तो मुझे मिला बाई इंटू वन प्लस एक्स क्यू विच इज इक्वल टू वन बाई टू आउटसाइड किया और हमने जब वन का इंटीग्रेशन किया तो भाई मुझे मिल गया एक्स, और कॉस टू एक्स का जब हमने किया तो कॉस टू एक्स का तो हमें मिला साइन टू एक्स और अपॉन टू और प्लस सी। चाहे तो आप इतने ही आंसर छोड़ दीजिए, और अगर आपको लगता है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं वन प्लस एक्स क्यू और ये बनेगा एक्स अपॉन टू माइनस का साइन टू एक्स अपॉन फोर प्लस सी, और ये भाई हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है कि सिंपली कंपेयर करना है मुझे इससे, कंपेयर करने के बाद पी और क्यू की भाई वैल्यू मिल गई, मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और सिंपली सॉल्यूशन यूज कर लिया कि बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, और सिंप्लीफाई किया और हमें आंसर मिल गया। चलिए अनदर एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई हमारा क्या है। तो अनदर जब हम लोग बात करते हैं तो भाई हमने कहा कि अनदर हम लोग ले लेते हैं कि क्वेश्चन है वन प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स बाई माइनस एक्स डी वाई। को ये डिफरेंस इक्वेशन दी गई है कि वन प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू डी वाई। तो चलिए हम लोग इसका सिंप्लीफाई देखते हैं। तो ये तो भाई मैंने देखा कि ये डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्म बन रहा है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई तो बना, तो टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग इधर लेके आ चुके, जैसे ही हमने डी एक्स अपॉन डी वाई देखा तो हमें याद आया कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू था। तो हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने इसको किया डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन, इसको ऐसा लिख लेते हैं थोड़ा सा, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई और वन प्लस वाई स्क्वायर, ये मिल गया। तो ये तो हमारी फॉर्म हो गई। तो हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयर विथ डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, वेयर विथ पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ बाई एलोन और कॉन्स्टेंट, दोनों ही बाई की फंक्शन है। तो यहां से पी की मुझे वैल्यू मिली वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, क्यू की वैल्यू मिली मुझे टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों ने फाइंड आउट किया इन टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, सो वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो भाई हमारा टेन इनवर्स वाई का बनेगा, तो हमें मिला ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई। ये मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, सो इट्स सॉल्यूशन। तो हमने जब इसके सॉल्यूशन की बात की तो मुझे इसका जो सॉल्यूशन मिला वो मिला एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी वाई प्लस सी। सो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू हमारी है टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए टू दी पावर टेन इनवर्स वाई और डी वाई प्लस सी। तो यहां से हमारा मिला एक्स इंटू ए टू दी पावर टेन इनवर्स वाई, यहां पे मैंने क्या किया टेन इनवर्स वाई को टी माना, तो टेन इनवर्स वाई को टी माना तो वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर हमारा डी टी में चला गया। तो ये जो हमारा बना वो बना ई टू दी पावर टी इंटू टी डी टी प्लस सी। यहां पे हमने जो टी माना था टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, मैंने इसको टी कर लिया था, केवल इतने ही को इंटीग्रेट जब हम लोग कर रहे थे तो हमने यहाँ पे इसको टी मान दिया था। तो क्या बना एक्स इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई, और इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट हम लोग यूज कर लेते हैं, इसको फर्स्ट कर लेते हैं, इसको सेकेंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रेट ऑफ सेकेंड ई टू दी पावर टी माइनस इंटीग्रेट डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट सो टी का वन, और इंटीग्रेट ऑफ सेकेंड ई टू दी पावर टी का ई टू दी पावर टी, और ई टू दी पावर टी का जब हम लोगों ने फिर से इंटीग्रेट किया तो मुझे मिला ई टू दी पावर टी, तो माइनस का ई टू दी पावर टी प्लस सी। सो एक्स इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स बाई टी की वैल्यू रख दीजिए टेन इनवर्स बाई ई टू दी पावर टेन इनवर्स बाई एंड माइनस
e to the power 10 inverse y plus c। ओवरऑल हम लोगों ने क्या किया, e to the power 10 inverse y से यहां डिवाइड कर दिया, तो x equal to तो ये मिला 10 inverse y, माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से मुझे 1 मिला, प्लस c अपॉन e to the power 10 inverse y, या कह दीजिए e to the power माइनस का 10 inverse y, और यही जो था वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फाइनली मैंने यहां पे दोनों केसेस की बात की, फर्स्ट में हमने कहा dy upon dx plus py equal to q, ये वाली फॉर्म का एक एग्जांपल देखा। अनदर एग्जांपल हम लोगों ने बात की, तो हमने इसमें एग्जांपल लिया dx upon dy plus px equal to q, और दोनों में ही हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले। सॉल्यूशंस की बात की, मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग जब देखते हैं, जब इस टाइप से जब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ना वो हमें जरूर अच्छे से लर्न होना चाहिए, या उसका जो जनरल मेथड्स है मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन का, तो वो हम लोगों को पता होना चाहिए, जिससे कि हम लोग इजी गोइंग इंटीग्रेट कर सकें कि हम लोगों का जो इंटीग्रेशन है वो हम लोग किस टाइप से इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग जनरल फार्मूला भी देख लेते हैं एक, कि भाई हम लोगों ने मल्टीप्लाई करते हैं तो जनरल हम लोग कैसे करते हैं। मान लीजिए इंटीग्रेशन और वो हमें पता नहीं है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स अगर हमें निकालना है, तो हम लोग इसका जो निकालते हैं तो हम कहते हैं यू वी वन माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री एंड सो ऑन, इस टाइप से हम लोग चलते जाते हैं कि हमारा ये इस टाइप से हमारा होता जाएगा। दैट इज मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट का डिफरेंस डैश जो है ना डबल डैश ट्रिपल डैश, ये हमारा डिफरेंशिएशन को शो करेगा, और ये जो वन टू थ्री है ये हमारा इंटीग्रल को शो करता है। मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें, अब जैसे मान लीजिए हमको टू टाइम्स लगाना है, थ्री टाइम्स आएगा तो बड़ा दिक्कत होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट सेकंड लगाने में, तो हम लोग सिंपली ये जनरल फार्मूला याद रखते हैं। जैसे यहाँ पे हम इस जनरल का इंप्लीमेंट देखें, तो हमने इसको फर्स्ट का फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन सो ई टू द पावर टी माइनस इसका इससे टर्म से मतलब इससे इसका डिफरेंशिएशन और इसका फिर से इंटीग्रेशन अगेन में, फिर क्या होगा, अब यहां पे वन मिला, अगेन जब हम स्टेप करेंगे तो इसका फिर वन का फिर डिफरेंशिएशन सो जीरो, तो हम इसलिए आगे के टर्म नहीं लिखते हैं। तो ये जनरल फार्मूला हम लोगों को इसमें बड़ा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सिंपली इंटीग्रेशन बाई पार्ट से लर्न करते हैं हम लोग, और फिर हम लोग जब टू टाइम्स करना होता है तो फिर अगेन फिर रिपीट करते हैं, तो ये ज्यादा मच बेटर है। तो जनरल फार्मूला इसलिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और फाइनली लीनियर मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर और सीरीज, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर की सीरीज अच्छी लगती है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और आपकी जो प्रॉब्लम्स है तो वो कमेंट बॉक्स पे दें, जिससे कि हम लोग जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं उनको जल्दी से जल्दी सिंप्लीफाई कर सकें। थैंक्स।